फ्रेंड्स, आज है 4 नवंबर यानी दीपावली। तो जैसे कि आपको पता है कि पुल टूट गया था, तो देखते हैं कैसा हुआ है। वैसे तैयार हो चुका है, चलने लायक, निकलने के लायक रास्ता बन चुका है, लेकिन पूरा तैयार नहीं हुआ, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जाने के लिए हिसाब बना रहे हैं जाने के लिए। कुछ गाड़ी आ रही हैं, कुछ नहीं आ पा रही हैं, कोई डर के मारा आ पा रहा, लेकिन इतना सेफ भी नहीं है, बहुत डेंजर है। किसी गाड़ी स्लिप हो गई तो गाड़ी गिर सकती है। ये सिर्फ इतना जुड़ा है। बार में भी होकर के आता हूँ। काफी दिनों बाद इधर घुमाना हुआ आज, तो इधर का भी नज़ारा दिखा देता हूँ। काम चल रहा है अभी, कितना भी डालो ये तो फैलते चले जा रहा हूँ। इधर तो इस रास्ते के बनने से लोगों को भी राहत हुई है। विवाह दिवाली का दिन है, ये भी खतरनाक ही है। यहाँ से दीवार भी कभी भी जा सकती है, ये जो उसकी बाउंड्री वॉल है ये कभी भी गिर सकती है, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेक हो गई, अलग हो गई, ब्रेक तो होती है अलग। हाँ, ये भी तो ऐसी है, ये पानी का आगा फिर बह जाएगा, बह जाएगा। फिलहाल लोगों को राहत तो काफी हो चुकी है इससे, क्योंकि आज दीपावली का दिन है, त्योहार का दिन है, तो लोगों को काफी लंबा दूर से इधर को काटू धाम घूम करके 14-15 किलोमीटर का चक्कर लगा करके इधर पूरा बाहर जाना पड़ता। फिलहाल इससे काफ़ी राहत हो गई, लेकिन पूरी तरह से पुल अभी चालू नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है। ये रात दिन मेहनत करके ये पुल का इतना काम हो पाया है। थोड़ा सा मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे से कैसा दिख रहा है पुल, काफ़ी हाइट पर है यहाँ से, ये देखने में तो हल्का सा लग रहा है मोबाइल में, लेकिन काफ़ी हाइट पर है। फिलहाल ये पुल रेडी हो चुका है, तो लोगों को काफ़ी राहत हो चुकी है, काफ़ी अच्छी बात है। बहुत जल्दी रात दिन काम करके ये पुल का निर्माण किया गया है, लेकिन पूरी तरह से अभी चालू नहीं हुआ है। तो आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो।